नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सबसे अच्छा खुशखबरी देने जा रहा हूँ। आप जानते हैं कि हमारा देश एक ऐसा देश है जिसे दुनिया भी लोहा मानती है। इन दिनों पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, वो है नौकरी, नौकरी और नौकरी चाहिए। कोविड 19 के बाद पूरे वर्ल्ड में मंदी के कारण नौकरियाँ लोगों की जाती रही थी, और उस पीड़ा से उबरने के लिए दुनिया ने कई कदम उठाए, जिसमें भारत भी कई कदम उठाए। बावजूद इसके नौकरियां चारों तरफ घटती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में एक ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया के लिए खोला गया जो 2019 में खोला गया था, जो दुनिया के अधिकांश बेरोजगारों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रही थी। आज 2024 है, हम देखें कि भारत के लोग 2024 में उस प्लेटफॉर्म में कितना एक्टिव है। हमारे एक संगठन है जिसका नाम भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ कहा जाता है। इस यूनियन से भी हजारों मजदूर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से नौकरी पाने की आशा में जुड़े हुए हैं और अपने दैनिक जीवन में कुछ करेंसीज को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। लेकिन जो लोग इस यूनियन में, मतलब भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ में जुड़े हैं, वे एक्चुअली भारतीय रेलवे महामूर्ख गांडू श्रमिक संघ में जुड़े हैं। सर, आप कभी हमारे बारे में नेगेटिव बोलते हैं, कभी पॉजिटिव बोलते हैं। सच बात है, आप भारतीय रेलवे महागांडू श्रमिक संघ में जुड़े हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि जिंदगी भर बोरा ढोना है, और बोरा ढो के आप कितने साल नौकरी करिएगा। अधिकांश लोग लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल नौकरी करेंगे, कुछ लोग 5 साल नौकरी करेंगे, कुछ लोग 20 साल नौकरी करेंगे, कुछ लोग 25 साल नौकरी करेंगे। तो 25 साल के दौरान आप कितने करोड़ जमा कर पाएंगे? आपको जैसा बताया गया है, हम लाइव आकर बताए थे कि 25 साल के दौरान आपको अगर हर एक महीना 25,000 मिलेगा तो आप कितने करोड़ अपने बैंक बैलेंस बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आप बैंक बैलेंस बना पाएंगे। इसीलिए कुछ लोग जो पाई नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं, उनको मैं भारतीय रेलवे महामूर्ख गांडू श्रमिक संघ से जुड़े हुए व्यक्ति मानता हूँ। वे लोग महामूर्ख गांडू श्रमिक संघ के सदस्य हैं। हम जानते हैं कि हमारी नौकरी मिलेगी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के द्वारा, लेकिन अगर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी हो, जहां पर अगर हमारे पास 10 पाई हो, केवल 10 पाई इस 3 महीना के अंदर, क्योंकि 31 दिसंबर को पाई नेटवर्क फ्री में मिलना बंद हो जाएगा, और आपके पास 31 दिसंबर तक अगर 10 पाई भी हो और एक पाई का कीमत 3 करोड़ है, तो 10 पाई का कितना होगा? 3 × 3 कितना हुआ? 30 करोड़ रुपया होगा, जो जिंदगी में आपका बैंक बैलेंस फट जाएगा। ठीक है, आप नौकरी पाएंगे ये मुझे पता है, लेकिन नौकरी पाने के साथ साथ अगर आप अल्टरनेटिव काम को भी करते रहते, इस प्लेटफॉर्म में रजिस्टर करके फ्री में माइनिंग करते रहते, तो दिसंबर तक आपके पास 10-20 पाई हो जाता और आपका आने वाला जनरेशन को नौकरी के लिए रोना नहीं पड़ता। मान लीजिए आपके पास 2 बच्चे हैं, अगर भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के माध्यम से कहा जाता है कि अगर बाप मर जाएगा तो बेटा को नौकरी मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास 2 बेटा है तो एक बेटा को तो नौकरी दे दीजिएगा, दूसरा बेटा को भीख मंगवाइएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुछ अल्टरनेटिव अदर देन जो कर रहे हैं, हम अपेक्षा कर रहे हैं कि रेलवे माल गोदाम के माध्यम से हमारी नौकरी मिल जाए, अच्छी बात है और मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ अल्टरनेटिव काम भी तो करते रहना चाहिए, जो कि ऑप्शन है पाई नेटवर्क। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि पूरे वर्ल्ड में 155 देश अपना अपना जो मॉल आप देखे हैं, बिग बाजार आप देखे हैं, उतने बड़े बड़े मॉल खोलकर पाई नेटवर्क के माध्यम से सामानों को दे रहे हैं
मतलब पाई क्वाइन, उनके पास ना डॉलर है, ना रुपया है, ना यान है, मतलब दुनिया का फिएट करेंसी नहीं है। बावजूद इसके पाई का जीसी भी प्राइस जिसको 3,14,159 डॉलर, मतलब 3 करोड़ रुपया, एक पाई का 3 करोड़ रुपया के को आधार बनाकर मॉल खोला गया है। वहाँ से लोग जो पायोनियर्स कहा जाता है, वो लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे खरीद रहे हैं। इस वीडियो में मैं लाइव दिखाऊंगा कि लोग कितना क्रेजी हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। और इस प्लेटफॉर्म में जैसे कि हमारे यूनियन में बड़े बड़े लीडर हैं, जिसमें कोई राष्ट्रीय प्रभारी है, कोई संगठन मंत्री है, कोई महामंत्री है, उसी तरह जीसीबी के लिए 155 देशों का लीडर लोग हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और बहुत शक्तिशाली लोग हैं। और वो लोग डिमांड करते आ रहे हैं, जैसा कि हम नौकरी के लिए डिमांड करते आ रहे हैं, रेगुलराइजेशन के लिए डिमांड करते आ रहे हैं, वैसे ही वो लोग भी डिमांड करते आ रहे हैं कि एक पाई का कीमत जिस समय लॉन्च होगा पाई नेटवर्क, उस समय 3 करोड़ होना चाहिए एक पाई का, तब हम सफल व्यक्ति कहलाएंगे। अगर आप 31 दिसंबर तक आपके पास एक पाई भी ना हो और कल के डेट में आप बोरा ढोने के लिए परमानेंट होकर रेलवे में नौकरी करने के लिए चले गए, तो क्या जिंदगी भर आप बोरा ढोने के लिए ही बनाए गए हैं या उससे भी ऊंचा उठने के लिए बनाए गए? तो आपको सोचना है। हमारे भारत में, और मैं टॉप 10 देशों का नाम बताने जा रहा हूं जिसमें भारत भी है, जो पाई नेटवर्क का भरपूर सपोर्ट कर रहा है। भारत के गरीब तबके के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और वे अपने मोबाइल में पाई एप्लीकेशन, जो पाई नेटवर्क एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके माइनिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ पाई ब्राउज़र को भी डाउनलोड करके माइनिंग कर रहे हैं, मतलब पाई ब्राउज़र से KYC कर रहे हैं। मतलब 31 दिसंबर से पहले, अभी 30 नवंबर से पहले लोगों का KYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग मिस कर गए, जो लोग रजिस्टर्ड किए हैं और लोग मिस कर गए, तो आप हमेशा हमेशा के लिए आपका बहुमूल्य पाई को खो देंगे। और जो लोग रजिस्टर नहीं किए हैं, वे जीवन भर सपने देखते रहेंगे कि काश मेरे पास 2 पाई भी होता। 2030 में वो लोग सपने देखेंगे, काश मेरे पास आधा पाई होता। आज फ्री में मौका है, लोग उसे ग्रहण नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ को एक नया नाम दे रहा हूँ, भारतीय रेलवे महामूर्ख गांडू श्रमिक संघ, उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ में, अपने कब्जे में नहीं लेते हैं और नौकरी के पीछे केवल भागते हैं। नौकरी मिलेगी ये तो तय हो गया, लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी आप खुश रहिएगा, इसकी क्या गारंटी है? इसलिए जहाँ पर विज्ञान आपको अपॉर्चुनिटी देता है, उसे आप ले लें। इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पाई नेटवर्क में भारत का क्या योगदान है। आइए हम इस आर्टिकल को पढ़ें। मैं पढ़ रहा हूँ आर्टिकल को, अच्छी खबर, 10 देश जहाँ पाई स्टोर अब उपलब्ध है, पाई नेटवर्क आपका क्रिप्टो भविष्य है। मतलब 10 देश, टॉप 10, मैं टॉप 10 कंट्रीज़ का केवल नाम बता रहा हूँ जिसमें भारत भी है, जहाँ पर पाई का माइनिंग सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी में नोड एक चीज़ है, उसमें इंडिया का भी स्थान आ रहा है। कंप्यूटर में नोड लगाया जाता है, जिसमें जापान सबसे टॉप है पाई नेटवर्क में। ओके, डिजिटल युग में तेज़ी से विकसित हो रही दुनिया में क्रिप्टो दुनिया में नवाचार तेज़ी से बातचीत पर हावी हो रहा है। एक प्रमुख परियोजना जिसने बहुत चर्चा बटोरी है, वह है पाई नेटवर्क। हाल ही में पाई नेटवर्क ने एक क्रांतिकारी सुविधा जारी की है जो उनके समुदाय अर्थात कम्युनिटी, इस कम्युनिटी में 6 करोड़ लोग हैं और भारतीय रेलवे माल गोदाम में कितना है? केवल 12 लाख। 6 करोड़ लोग आने वाले समय में रोजगार पा चुके होंगे और हर एक दिन का उनका कमाई होगा करीब करीब 10 से 20 हज़ार रुपया पाई नेटवर्क से, ये मैं दावा ठोक रहा हूँ। तो ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, आप देख सकते हैं इस वीडियो में कम्युनिटी कैसे काम कर रही है, विभिन्न देश कैसे काम कर रही है आप देख रहे हैं। तो उनके समुदाय में हलचल मचा रही है। क्यों हलचल मचा रही है भाई? पाई स्टोर, मतलब जिस तरह से हम जितने भी हमारे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, शहर है, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर मॉल खुले हैं और उस मॉल में जब आप जाते हैं और कोई सामान खरीदते हैं तो आपसे रुपया मांगा जाता है कि आपके पास रुपया है कि नहीं। लेकिन
अब पाई नेटवर्क का भी मॉल खुल गया है, जहां पर अगर आपके पास रुपया ना हो तब भी आप उस मॉल में जाकर जो जरूरत की सामान है उसे खरीद सकते हैं, उसी को पाई स्टोर कहा जाता है। और ये पाई स्टोर 31 दिसंबर के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन बनकर भी आपके मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा। आप ऑनलाइन पाई का पेमेंट करके जो सामान चाहिए होगा आप ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। तो ये हमारे लिए बेहद खुशखबरी है। इस लेख में हम उन 10 देशों के बारे में विस्तार से जानेंगे जहां अब पाई स्टोर पाया जा सकता है। यह पाई क्वाइन डिजिटल मुद्रा की स्वीकृति और अपनाने की राह पर एक प्रमुख मील का पत्थर है। ठीक है, प्रमुख मील का पत्थर बनने जा रहा है। किन किन देशों में? टॉप 10 देश हैं। पहला देश है वियतनाम, संस्कृति और इतिहास से समृद्ध देश। वियतनाम भी पाई स्टोर का उत्साहपूर्वक स्वागत करने वाले पहले देशों में से एक है। पाई स्टोर के साथ वियतनाम में पाई उपयोगकर्ताओं के पास अब विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच है, जिन्हें ये पाई क्वाइन का उपयोग करके आसानी से खरीद सकते हैं। वियतनाम के तकनीक अनुकूल और तेजी से डिजिटल रूप से जुड़े समाज ने अपने दैनिक जीवन के हिस्से के रूप में डिजिटल मुद्राओं का को अपनाने में बड़ी उन्नति की है। वियतनाम, अब जानते हैं वियतनाम, इस वीडियो में देख रहे हैं वियतनाम देश का मॉल को मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लें, ध्यान से देखें कि वियतनाम के लोग क्या कर रहे हैं। उसी तरह अगला देश है इंडोनेशिया, आप इंडोनेशिया का भी वीडियो देख लें। इंडोनेशिया एक बड़ी आबादी वाला द्वीप समूह देश है, जहाँ पाई नेटवर्क समुदाय बहुत मजबूत है। पाई स्टोर की मौजूदगी के साथ इंडोनेशिया में उपयोगकर्ता अब विभिन्न शॉपिंग विकल्पों का पता लगा सकते हैं, जिनका वे अपने पाई क्वाइन के साथ आनंद ले सकते हैं। यह विभिन्न जरूरतों और रुचियों वाली आबादी के बीच डिजिटल मुद्रा अपनाने को प्रोत्साहित करने में एक बड़ा कदम है। इंडोनेशिया, आप देख सकते हैं इंडोनेशिया में कैसे लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं, मॉल के माध्यम से या दुकानों के माध्यम से या सब्जी मार्केट में कैसे पाई क्वाइन का इस्तेमाल करके लोग खरीद बिक्री कर रहे हैं। तीसरा देश है, तीसरा टॉप 10 देश है नाइजीरिया। तीसरा देश है नाइजीरिया, अफ्रीका के सबसे बड़े देशों में से एक। नाइजीरिया में पाई स्टोर की मौजूदगी पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। नाइजीरिया के उपयोगकर्ता अब पाई क्वाइन का उपयोग करके विभिन्न उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। यह इस बात का एक उदाहरण है कि कैसे पाई नेटवर्क महाद्वीपों में अपने प्रभाव का विस्तार कर रहा है और उन समुदायों को आर्थिक लाभ पहुंचा रहा है जिनके पास पहले समान वित्तीय समाधानों तक पहुंच नहीं थी। वियतनाम या नाइजीरिया, ये सब बहुत गरीब देश हैं और यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ कमियाँ रहती है, लेकिन अब इन लोगों के पास पाई क्वाइन आ चुका है, इसलिए आने वाले समय में इस देश की गरीबी और जो मजबूरियाँ हैं बेरोजगारी का, वो सभी समाप्त होने जा रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि लोग पाई क्वाइन के माध्यम से तरह तरह के सामान खरीद रहे हैं और खुशी मना रहे हैं। ठीक है, चौथा देश है हमारा प्यारा भारत, जिसे हम दिलो जान से प्यार करते हैं। चौथा नाम जो इंटरनेशनल न्यूज़ में दिया गया है, इसको मैं ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। चौथा देश है हमारा प्यारा भारत। वेरी वेरी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो करासा है। गाइस, कैसे आप लोग? और पाई नेटवर्क के लिए बताना चाहेंगे, काफ़ी अच्छे से ये पाई नेटवर्क ट्रेंड कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और मैं यहाँ दिल्ली के अंदर आया हुआ हूँ और मेरी जो पाई टैक्सी है, मेरी पाई टैक्सी खड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं पाई को एक्सेप्ट कर रहा हूँ 100%। ठीक है, ये मेरी गाड़ी का नंबर देख रहे हैं आप। ठीक है, DL1ZC8117 और ये पाई का लोगो आप देख सकते हैं, पाई का ये लोगो लगा हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ क्योंकि ये मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ 100% दिल्ली NCR के लिए। 100% कॉइन एक्सेप्ट कर रहे हैं दिल्ली NCR के लिए इन इंडिया। ठीक है, तो जो भी ये मेरी वीडियो देख रहा है ट्विटर पे या
यूट्यूब पे, तो वो दिल्ली आ सकता है और यहाँ पे मेरे मेरी कार को हायर कर सकता है, मेरी कैब को हायर कर सकता है और पाई मुझे कॉइन दे सकता है। 100% पाई कॉइन लिया जाएगा, नो कैश। ठीक है गाइस, तो ये छोटी सी यही मैंने वीडियो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, ये मेरी टैक्सी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मेरी टैक्सी खड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आप बुक कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए हैव ए नाइस डे। भारत अपनी विशाल जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ क्रिप्टो के लिए एक बहुत ही आशाजनक बाजार है। पाई स्टोर के साथ भारत में उपयोगकर्ता अब अधिक कुशलता से खरीदारी कर सकते हैं। वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन से मुनाफा कमाने वालों में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल हो गए हैं। कुशलता से खरीदारी कर सकते हैं और पाई पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम के लाभों का आनंद ले सकते हैं। इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम का मतलब है पाई का इस्तेमाल किन किन चीज़ों में होगा। ये हमें 1000 एप्लीकेशन 31 दिसंबर को हमारे मोबाइल फ़ोन में आ जाएंगे, तब आपको पता चलेगा। भारत में एक सक्रिय पाई नेटवर्क समुदाय भी है जो पारिस्थितिकी तंत्र के इकोसिस्टम के विकास में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। अभी कई स्टोर हमारे भारत में खुल चुके हैं पाई नेटवर्क के, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि लोग माइनिंग नहीं कर रहे हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री हमारा देश है, चीन को भी हम लोग हरा चुके हैं और उस आबादी वाले देश में लोग अपॉर्चुनिटीज़ को खोज रहे हैं। भारत सरकार से मांग करते रहे कि भैया आप नौकरी हमको कब दीजिएगा। अरे अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल भी होती है, उसमें घुस जाइए ना और कुछ अर्निंग करना सीखिए। ठीक है, अगला देश है फिलीपींस। द फिलीपींस इज़ वन ऑफ द कंट्रीज इन एशिया दैट ऑलरेडी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग पाई यूज़र बेस। पाई स्टोर ओपन्स अपॉर्चुनिटीज फॉर यूजर्स इन फिलीपींस टू शॉप विथ पाई क्वाइन एंड सपोर्ट्स द पाई नेटवर्क इकोसिस्टम। द फिलीपींस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ डिजिटल करेंसी कैन शेप इनटू पीपल्स कल्चर एंड डेली लाइफ क्विकली। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको इंग्लिश में समझ में आया होगा। मैं अब कुछ चार देशों का, पांच देशों का इंग्लिश में बताने का कोशिश करूंगा। साउथ कोरिया छठा देश है जो सबसे ज़्यादा पाई नेटवर्क में एक्टिव है, वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैज़ रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली टू द presence of the Pi Store. Users in South Korea can now explore various shopping options with Pi Coin, which is an important step in supporting the development of blockchain technology and digital currencies in the country. South Korea's technology advancement society is an example of how crypto innovation can be quickly accepted. तो ये साउथ कोरिया के विषय में कि वहाँ पर भी साउथ कोरिया के लोग पाई क्वाइन का स्टोर मतलब मॉल बना दिए हैं, पाई स्टोर बना दिए हैं और वहाँ से लोग खरीदारी कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं, मेरे साथ साथ वीडियो चल रहा है, उसे देखकर आप मौज करिए या ज़िंदगी भर नौकरी करते रहिए, बोरा ढोते रहिए। अगला देश है चाइना, हमारा पड़ोसी देश चाइना। चाइना विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, यहाँ का स्टेटमेंट गलत है। चाइना लार्जेस्ट कंट्री हो सकता है लेकिन पॉपुलेशन में चीन को भारत ने हरा दिया। जनसंख्या में भारत ने चीन को कई वर्ष पहले ही हरा चुका है। हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से बहुत हाई है, टॉप वन पहला नंबर में आता है। चीन का क्षेत्रफल बड़ा होते हुए भी हमारा देश में हमारा देश का क्षेत्रफल छोटा है चीन के क्षेत्रफल से, और हमारा देश की जनसंख्या ज़्यादा है, चीन की जनसंख्या कम हो गई है और वहाँ के लोग पाई नेटवर्क में रुचि लेते हुए एक पागलों की तरह स्टोर बना रहे हैं, कार बेच रहे हैं, सोना बेच रहे हैं और तरह तरह के एक पाई नेटवर्क से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, लाइव में दिखा रहा हूँ, और इसको और अधिक देखना है तो आपको ट्विटर में जाकर पाई नेटवर्क को सर्च करना है, पाई GCV को सर्च करना है या पाई GCV314159 सर्च करना है, तो इस तरह इससे रिलेटेड चाइना का कई वीडियोस आ जाएंगे, इंडोनेशिया का आएंगे, भारत का आएगा, सभी देशों का आएगा, आप ट्विटर में जाकर देख सकते हैं। अगला देश है इराक। ठीक है, आप इराक का नाम सुने हैं। इराक अ कंट्री इन द मिडल ईस्ट इज़ वन ऑफ द कंट्रीज वेयर द पाई स्टोर इज़ प्रेजेंट। यूजर्स इन इराक
can now shop with Pi Coin and become part of the growing Pi Network ecosystem. This is an example of how digital currencies can benefit communities in various regions, including those that may be affected by economical challenges. यहाँ क्या कह रहा है? Economical challenges का मतलब होता है गरीबी से झेल रहे लोग भी इराक में पाई नेटवर्क से जुड़कर अपने रोजमर्रा के ज़िंदगी में ज़रूरत होने वाले चीज़ों को पाई क्वाइन से खरीद रहे हैं और अपना आर्थिक स्तर को ऊंचा कर रहे हैं और भारत के लोग सो रहे हैं. अगला देश है यूनाइटेड स्टेट्स. पाई क्वाइन का निर्माता यूनाइटेड स्टेट्स से ही है, यूएस से हैं, जिनका नाम है डॉक्टर निकोलस कोकालिस और उनकी धर्म पत्नी और उनका एक मित्र हैं जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ व्यक्ति हैं, एक वैज्ञानिक हैं और उन्होंने उस कंप्यूटर साइंस के वैज्ञानिक हैं और ब्लॉकचेन पर उन्होंने रिसर्च थीसिस उन्होंने लिखा और उसी का नतीजा है कि अमेरिका का चीज़ आज भारत के 155 देशों में तहलका मचा के रखा है और वहाँ की सरकारें भी इनको सपोर्ट कर रही है. इससे रिलेटेड कई वीडियोस आप टेलीग्राम में देख सकते हैं, फेसबुक में देख सकते हैं. यूट्यूब में बहुत ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आता है लेकिन टेलीग्राम एंड फेसबुक में, आप टेलीग्राम कह रहा हूँ, ट्विटर एंड फेसबुक में सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि ट्विटर जो है एलन मस्क का प्लेटफॉर्म है. एलन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर व्यक्ति है, तो लोग जो है अमीरों के पीछे ज़्यादा दीवाना होते हैं तो सभी लोग उसी में जुड़े हैं और उसी में सब कुछ शेयर किया जाता है. यहाँ तक कि हम लोग का देश के पॉलिटिशियन राहुल गांधी हो, चाहे मोदी जी हों, चाहे और भी पॉलिटिशियन है, वे ट्वीट करते हैं, उसी में सब लोग जुड़े हैं और उसी में सबसे ज़्यादा वीडियोज़ पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो स्टोर है उसे शेयर किया गया है. तो यूनाइटेड स्टेट में भी, क्योंकि वहाँ से पाई नेटवर्क का आविष्कार हुआ है और पूरे वर्ल्ड के लिए गया है, लेकिन जिस दिन इसका मेन नेट लॉन्च होगा हमारे डॉक्टर निकोलस इसके मालिक नहीं रह जाएंगे. ब्लॉकचेन की एक खासियत है, आप समझ जाइए कि उन्होंने डेवलप ज़रूर किया है, उनकी पत्नी ने भले ही डेवलप किया है, लेकिन जैसे ही मेन नेट मतलब लॉन्च हो जाएगा, मेन नेट लॉन्च होगा मतलब दुनिया के बाज़ारों में पाई नेटवर्क लॉन्च होगा, तो वे उसका मालिकाना हक को समाप्त कर देंगे. मतलब वो वैज्ञानिक ही रह जाएंगे और कुछ उनके पास रिजर्व पाई क्वाइन हो सकता है या सबको वो दुनिया के भलाई के लिए दे सकते हैं. दुनिया के भलाई के लिए वैज्ञानिक का एक ही लक्ष्य होता है कि दुनिया के का भलाई किया जाए. जैसे कि बल्ब का आविष्कार जिसने भी किया था, वो जिसका नाम था थॉमस एल्वा एडिसन, उन्होंने दुनिया के हित के लिए किया, वो अपने लिए तो बल्ब नहीं बनाया था, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने रोशनी दिया. उसी तरह हमारे डॉक्टर निकोलस कोकालिस जो कि पेशे से एक वैज्ञानिक हैं, उनकी पत्नी सोशियोलॉजी में वैज्ञानिक हैं, सोशियोलॉजी में भी वैज्ञानिक होते हैं, वे दोनों पति पत्नी और उनका एक मित्र, तीनों मिलकर इस प्लेटफॉर्म को पूरे वर्ल्ड के गरीबों के घर में दीपक जलाने का काम कर रहा है. तो यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में मैंने हिंदी में ही बता दिया. मलेशिया, मलेशिया अ कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, हमारे एशिया में ही मलेशिया है. With a rich culture and rapidly developing technology, is one of the countries where Pi Store has presence. Users in Malaysia can enjoy a variety of shopping options with their Pi Coin. Malaysia is an example of new digital currency can become an integral part of the economy and people's daily lives. तो मलेशिया में भी Pi Coin को वहाँ की सरकार के द्वारा मान्यता देकर इसका इस्तेमाल करने की अनुमति मिली हुई है और इसी यही कारण है कि वे लोग मॉल, दुकान, सब्जी मार्केट इत्यादि में पाई क्वाइन को स्वीकार करके जो सामान की ज़रूरत पायनियर्स को है उसे दे रहे हैं. तो ये केवल टॉप 10 कंट्रीज़ के बारे में मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ साथ साथ और बता भी रहा हूँ, तो आप इसे देख कर मोटिवेट होइए, प्रेरणा लीजिए. अगर आपको जीवन में नौकरी के साथ साथ, क्योंकि ये जो यूट्यूब चैनल है वो गरीबों का चैनल है जिसका नाम है भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ, तो हम आशा करते हैं कि इसी महीना या दो महीना के बाद हमें रेलवे में नौकरी मिल जाएगी. मिलने के बावजूद भी आपके पास धन की कमी होगी, आपको भले ही 50,000 मिलेगा या 1,00,000 मिलेगा, लेकिन कभी ना कभी आपको धन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका कमी को पूरा करेगा आपका पाई क्वाइन. इसलिए फ्री में रजिस्टर करके कम से कम दिसंबर तक 10 पाई माइनिंग करके रखें. कैसे इसमें रजिस्टर करना है उसका वीडियो मैं दे रहा हूँ, उसे देखकर रजिस्टर कर लें और इस महीना के अंदर
आप अपना KYC भी कर लें, क्योंकि इसका दो एप्लीकेशन है। KYC करने के लिए आपको पाई ब्राउज़र भी डाउनलोड करना पड़ेगा और एक दूसरा एप्लीकेशन है पाई नेटवर्क, ठीक है। पाई नेटवर्क सर्च करिएगा प्ले स्टोर में, तो आप उस पाई नेटवर्क को डाउनलोड करके अपना नाम, कंट्री, मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड करिएगा और आगे बढ़िएगा। इस वीडियो में आगे मैं बता रहा हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। और एक महीना माइनिंग करने के बाद अगले महीने ही आप KYC कर लें, क्योंकि वार्निंग KYC करने के लिए लोगों को आने लगा है, क्योंकि ये 5 साल से चल रहा है और 5 साल के दौरान कोई भी ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च वाला प्लेटफॉर्म काफ़ी तरक्की कर लिया होता है और अभी बहुत अंतिम मुकाम पर है। 5 साल लोगों ने इसे पेशेंस होकर, धैर्य होकर, पूरे वर्ल्ड के लोग इस पे जुनून के साथ काम कर रहे हैं। आप वीडियो में लाइव देख सकते हैं। सभी को आगे देखें कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्टर कर लें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।